एससी कमीशन का चेयरमैन बनने से जलंधर पहुंचे विजय सांपला का जलंधर च जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने पहुंचने से बीजेपी के वलों सर्किट हाउस च एक प्रोग्राम का प्रबंध भी किया गया। इस दौरान सांपला ने पार्टी वर्करा ते नेतावां दे नाल मुलाकात की। सर्किट हाउस च सांपला नूं गार्ड ऑफ ऑनर भी दिता गया। दस दिए कि विजय सांपला जलंधर के रहने वाले हैं और 2014 दीआं लोकसभा चोणां च सांपला हुशियारपुर तो जीते सन, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय राज मंत्री बना दिता गया सी। देश के राष्ट्रपति जी माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वालों मैनू एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिस दे लई मैं कल इस जिम्मेवारी का पद ग्रहण किया। सो मैं पहला तो उन्होंने दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करदा और ये विश्वास भी दिलाना कि जिहड़ी मैनू जिम्मेवारी दित्ती गई है उस जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए मैं उन्होंने दीआं आशावां इच्छावां दे उत्ते खरा उतरन की कोशिश करांगा। साथियों, ये जिहड़ा आयोग अनुसूचित जाति कमीशन जिहदी जिम्मेवारी मैनू दित्ती गई है, इसका मुख्य रूप दे विच काम दलित समाज के उत्ते हो रहे शोषण उत्पीड़न अत्याचार के जिहड़े केसिस साडे सामने आउंदे ने उन्हां दे निवारण दे लई और उन्हां नूं इंसाफ दवाउण दे विच मुख भूमिका जिहड़ा निभाउण दा काम वो साडा ये कमीशन करता है और ये इंसाफ दिवाउण च और उन्हां दे कष्ट निवारण दे लई जिहड़ी दो तीन तरीके नाल असीं काम करदे हां, जिहदे च मुख रूप दे विच जिहड़े सरकारी अदारे आ वो चाहे सेंटर गवर्नमेंट दा अदारा होवे, विभाग होवे कोई भी, चाहे वह सूबा सरकार दा कोई अदारा होवे और चाहे अर्ध सरकारी कोई अदारा सरकारी अदारा होवे, उहदे च अनुसूचित जाति दे जिहड़े व्यक्तियां दे प्रति किते भेदभाव हुंदा, उहनां नाल डिस्क्रिमिनेशन हुंदा और उन्हां भी अत्याचारण दे विच ही असीं गिणदे हां और उहदे निवारण लई और उहनां नूं न्याय दिलाउण दा काम भी करदे। दूसरा, असीं देखदे हां कि समाजिक तौर ते भी बहुत सारा जिहड़ा अन्याय हो रहा और मेरी इस जिम्मेवारी तो संभालण तो पहला तुसीं आप जानते हो कि पंजाब च बहुत सारे केस मैं उत्थे विजिट करन दा मौका भी मिलिया और उन्हां नूं समाजिक तौर पर उन्हां दे निवारण दे लई उन्हां नूं इंसाफ दवाउणा भी इहदा जिहड़ा काम है, एक सरकारी तौर पर भी एक समाजिक तौर पर भी। तीसरा जिहड़ा इहदा रूप है न्याय दिलाउण दा, ओ सरकार दे वलों बहुत सारिया योजनावां बनाईया जांदियां जिहदे च विशेष रूप च हर महकमे वलों योजनावां जिहड़ियां अनुसूचित जाति दे व्यक्तियां वास्ते बनाईया जांदियां और उहदे लई सरकारां स्पैशल कंपोनेंट प्रोग्राम दे तहत एससी दे लई बहुत वड्डा फंड केंद्र वलों भी आउंदा है और बहुत सारिया योजनावां सूबा सरकारां भी बनाउंदियां ने, पर वो देखण दे विच आया कि वह धरातल दे उत्ते पूरी तरह लागू नहीं हुंदियां, किते ना किते सरकारी अफसरां वलों या कई बारी तो ऐसा भी हुंदा कि केंद्र वलों पैसा आउंदा है तो सूबा सरकारां जिहड़ा उहनू किसे होर मद दे विच खर्च दिंदियां, जिस मद लई पैसा आया हुंदा उस मद दे विच ना खर्च के दूसरे मदां दे विच पैसा खर्च दिता जांदा है। उस सरकारी योजनावां नूं भी क्रियान्वित करन दा काम और उहदी देख रेख उहदी किसे भी विभाग की जांच करन दा काम भी जिहड़ा आ तां कि उहनां नूं जिस मकसद लई अनुसूचित जाति दे लई योजनावां बणियां उसका सही उपयोग होवे ये देखण दा भी काम हुंदा है। चौथे रूप दे विच क्योंकि अत्याचार हुंदे और अत्याचार का निवारण करने लई उन्हां नूं इंसाफ दवाउण दे लई जिथे असीं मुख्य भूमिका निभाउने आ
उत्थे जिहड़ा असीं कमीशन दा ये भी काम है कि वह समाजिक अदारियां नाल समय समय बैठे और जिहड़े व्यक्तिगत रूप च भी सरकारी संगठनां दे रूप च भी और समाजिक संगठनां दे नाल बैठ के जिहड़ा सानूं अनुभव आउंदे आ और जिन्हां तों असीं ये कह सकते हैं कि अगर उहदे विच कोई तब्दीली कीती जावे तो इस रुका इहदी अत्याचार नूं जां डिस्क्रिमिनेशन नूं रोकण च सहायक हो सकदा है। उहदे लई भी समय समय दे उत्ते असीं केंद्र सरकार नूं और मानयोग राष्ट्रपति जी नूं अपने संविधानिक मर्यादा च रहिंदे होए उहनां दे सुझाव भी दिंदे आ ताँ कि सरकार उहदे उत्ते पॉलिसी बना के अगे तो भविख दे विच अनुसूचित जाति दे निवारण दे लई काम करे। ये मुख रूप दे विच जिहड़ी भूमिका और इन्हां दा सही काम होवे इस सही तरीके नाल कमीशन अपना काम करे यही साड़ी मुख्य जिहड़ी इस वेले इहनूं चुनौती कह लो इहनूं साड़ी प्रायोरिटी कह लो सब तो पहला यही रहेगी कि कमीशन इन्हां चारां दे उत्ते जल्द काम करे क्योंकि पिछले 7-8 महीनों तो एक कमीशन का पद जिहड़ा सी उह खाली सीगा और जिद करके बहुत सारा काम पेंडिंग पिया सी और इस करके सानू हुण इस दे लई जिहड़ी स्पीड अपनी तिगणी चौगणी करनी पैगी। सो उहदे लई जिथे समाजिक दी जथेबंदियां तो अनुसूचित जाति दे नाल संबंध रखण वालियां अनुसूचित जातियां जथेबंदियां भी सरकारी जथेबंदियां भी उहनां नाल भी तालमेल बिठा के ताकि इन्हां नूं असीं सही तरीके नाल लागू करा सकीए और इंसाफ दवा सकीए ये साडी प्रायोरिटी भी रहेगी। सो मैं मुख रूप च कमीशन दा की रूप है क्योंकि मैं कल ही पद ग्रहण कीता है और पद ग्रहण तो बाद मैं सीधा थोड़े दर्शनां लई आया इस करके हले तक की जो जानकारी सी मैं थोनों दित्ती और अगली बार नूं भी जदों आवांगा तो पंजाब दे नाल नाल पूरे देश दे विच की अंकड़े होणगे उहदे लई भी मैं समझ के पहला कमीशन नूं समझण नूं भी टाइम लगेगा और उहदे उत्ते बाकी की असीं कारवाई कीती है ते की करांगे उहदे उत्ते भी करांगे। जलंधर तों रवी गिल दी रिपोर्ट। हुण किसे भी बाहरले मुल्क विच जाण लई तुहानूं टिकटां खरीदण लई नहीं होणा पवेगा परेशान क्योंकि सैनी ट्रैवल्स फगवाड़ा पंजाब विच दे रहे ने सब तो सस्तियां हवाई टिकटां अते नाल ही करदे ने ट्रैवल इंश्योरेंस। सैनी ट्रैवल्स वालों कैनेडा जाण वाले स्टूडेंट्स नूं स्पेशल डिस्काउंट दिता जा रहा है। इत्थे ही बस नहीं तुसी सैनी ट्रैवल्स तो किसी भी देश दा टूर पैकेज ते विजिटर वीजा भी लगवा सकते हो। ता फिर देर क्यों किसी भी मुल्क लई बेहतरीन फ्लाइटां दीआं सस्तियां हवाई टिकटां खरीदण लई अज ही आओ सैनी ट्रैवल्स नेड़े बसरा पैलेस बंका रोड फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 9418 41381 79734